अच्छा तो कैसे आना हुआ एक्टिंग की तरफ, एक आर्मी के घराने से? आसान था, मुश्किल था? नहीं, जब मैं आई वाज स्टिल स्टडिंग, तो आई रिमेम्बर कि मैं ऐसा होता है बच्चों के गाने के वो शौकिया, उस तरह से कोई फैंसी ड्रेस हुआ उसमें. उसके बाद मुझे याद है कि मैंने कंपेयर किया था एक शो पीटीवी के लिए और पहले, एंड देन मैं भी पढ़ी रही थी, देन एक प्ले हुआ था टीवी. अनवर मकसूद था आपका? नहीं नहीं, इससे पहले हुआ था, बट बिकॉज मैंने वो मेंशन इसलिए नहीं किया बिकॉज वो उसके बाद वो करियर नहीं था, एक शौकिया मैंने एक प्ले में काम किया था, तो मेरे अब्बा ने बहुत मुश्किल से परमिशन दी थी. तो पीटीवी से ना प्रोड्यूसर्स आए थे घर मनाने उनको कि आप ये, अब तो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो, कि कोई हमारी मजबूरी भी समझे, कोई ये भी समझे कि हमारे घर का ये सेटअप है घर आके. मतलब मैं बहुत जेलस हूँ आपके इस वाली चीज से, आपके जमाने की, कि डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी इतना रिगार्ड करते थे टैलेंट का. सब आए थे और अब्बा को बड़ा समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, माहौल सही है, यू नो. मुझे याद है हसीना मोइन साहिबा का प्ले था, वो और इफ्तिखार आरिफ होते थे उस जमाने में. और उसके बहुत अरसे बाद फिर 2001 में, यू नो 2002 बल्कि, फिर पीटीवी से मुझे कॉल आई कि आप आएँ. तो मैं चाह रही थी कि वॉइस ओवर्स करूँ ना डॉक्यूमेंट्रीज में, तो मैं हाँ उस लिहाज से मैंने उनसे कहा था कि अगर कोई हो ऐसा डॉक्यूमेंट्री के लिए ना, आई वुड लाइक टू लेंड माई वॉइस. तो उस वहाँ मैं गई तो अनवर मकसूद साहब बैठे हुए थे, अली रिज़वी साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, तो वो उनके ऑफिस में, तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट मेरे सामने रखी, कहा ये पढ़ें. और दोनों खामोश, मेरी शक्ल देखी, मैं पूरा पढ़ा, एक लॉन्ग प्ले था, मैं कहा बहुत अच्छा, कहते आप करेंगी ये रोल. मैं कहा नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती. उससे पहले ना इस्लामाबाद में मैं थी, तो मैंने न्यूज़ पढ़े थे इंग्लिश में, हाँ, बहुत थोड़े अरसे के लिए था, एक महीना दो महीने. कैसा एक्सपीरियंस था वो? न्यूज़ बस ओके, बट न्यूज़ में इज़ वेरी बोरिंग, वही जो लिखा हुआ है वही पढ़ दो, अपना तो ओपिनियन नहीं आप जाहिर कर सकते ना. तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपने कैमरा फेस किया हुआ, आप कर लेंगे. मैं कहा नहीं नहीं, मैं कहते नहीं नहीं आप कर लेंगे. खैर मैं लेकर आई स्क्रिप्ट, बहनों से भी डिस्कस किया, वो उनका हाँ करो, यू नो वाई नॉट. तो दैट वॉज द बिगिनिंग, दैट इज हाउ यू बिगन, मतलब एक करियर की तरह. उसके बाद तो फिर ऑब्वियसली कोई और तो काम करने के आप लायक ही नहीं रहते हैं जब एक्टिंग शुरू करते हैं. एक काम करते हैं, हम दोनों चाय भी पीते हैं और बातें भी करते हैं. मैं आपको चाय पे लेके चलती हूँ, और लेकिन पार्क में मौजूद हैं, तो मुझे ये बताएं कि हेल्थ कॉन्शियस हैं थोड़ी? बहुत ज़्यादा हूँ मैं, बल्कि बिकॉज मेरा भी रिसेंटली यू नो एक सेट के ऊपर ही मैं गिर गई थी, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद से ना तो मेरे को ज़्यादा ही यू नो इसमें मैं ज़रूर कहूँगी कि मीडिया के बारे में लोगों को ख्याल है कि बड़े मीडिया के लोग यू नो इनसेंसिटिव होते हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं. मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हर किस्म के लोग होते हैं. मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने फ़ोन किया जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, बिकॉज ये बात न्यूज़ एकदम ट्रैवल की, सेट पर हुआ था. ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आए, लाहौर से लोग फ़ोन करें, सेट से लोग मुझे फ़ोन करते थे, फिर कहते अच्छा उनसे बात करें, हर कोई. और ऐसे भी लोग थे जिनको जिनके साथ मैं काम कर चुकी थी, बातचीत थी जब हमने काम किया था, मगर बड़ा अच्छा उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया. और मुझे याद है जब मैं रिकवरी रूम में थी, जब मेरी आँखें खुली तो मेरे डायरेक्टर सामने यू नो, जब भी वो मिलने आए थे मैं तब मेरा तो दिल जीत लिया ना इन लोगों ने. क्या बात है, चलिए मैं भी आपका दिल जीतती हूँ, आपको मजे की चाय पिलाते हैं.